यूपी में बीजेपी बड़ी सर्जरी की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दरअसल बीजेपी के कई लोकसभा प्रत्याशी और नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं के सार्वजनिक पत्र और वीडियो वायरल करने से पार्टी नेतृत्व नाराज है। पिछले दिनों 40 टीम का गठन किया गया है। इन टीमों को रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बहराइच और सीतापुर के नेताओं को चिन्हित भी कर लिया गया है, उन नेताओं को जिनकी वजह से पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का राज स्पेशल 40 टीम के 26 सवालों के जवाब में छिपा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल 40 टीम का गठन किया और उसे उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में रवाना किया है। ये टीमें लगातार अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और 26 बिंदुओं पर पड़ताल कर रही हैं कि आखिर किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा और किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पहले की अपेक्षा कम हुआ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन द्विस्तरीय आधार बनाकर अब 26 बिंदुओं पर पार्टी की हार की और खराब प्रदर्शन की, कम वोट प्रतिशत की वजह तलाशने में जुटी हुई है। और आज यूपी की सबसे हॉट सीट अयोध्या की समीक्षा हो रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये मीटिंग कर रहे हैं, अयोध्या सीट की समीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में विधानसभा वार समीक्षा हो रही है। मिल्कीपुर, रुधौली, बीकापुर और अयोध्या की समीक्षा हो रही है। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो कि अयोध्या संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। फिलहाल फैजाबाद संसदीय सीट जिसके अंदर ये तमाम विधानसभा क्षेत्र आते हैं, मिल्कीपुर, रुधौली, बीकापुर, अयोध्या, इन सभी एरियाज की समीक्षा हो रही है कि किस एरिया में बीजेपी को कितने वोट मिले हैं, लोगों का सपोर्ट मिला है नहीं मिला है। फैजाबाद में हार, साथ ही अयोध्या के आसपास कई और लोकसभा सीटों पर भी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। तो फिलहाल अयोध्या की समीक्षा हो रही है। अयोध्या जो कि फैजाबाद कह सकते हैं। इस वक्त केबी शुक्ला हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। केबी, आज की मीटिंग में सिर्फ अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ये सभी विधानसभा क्षेत्रों की बारीकी से जांच हो रही है? देखिए, अयोध्या जनपद की फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा है, उन 5 विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक हुई है। आज जो है वो 3 विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक होगी। पहली जो है विधानसभा मिल्कीपुर की समीक्षा बैठक पूरी हो चुकी है, दूसरी बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की बैठक शुरू हो चुकी है, तीसरी अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की बैठक लगभग अब जो की बैठक लेट हो चुकी है तो 6 बजे शुरू होगी। तो कुल मिला के अयोध्या जनपद में भाजपा क्यों हारी इसकी वजह तलाशी जा रही है। यही नहीं, अयोध्या मंडल की जो 500 जिले हैं भाजपा हार चुकी है, तो ऐसे में अयोध्या मंडल में भाजपा क्यों हारी, अयोध्या में भाजपा क्यों हारी, इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह तलाशने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को फैजाबाद में है, अवध क्षेत्र के जो प्रभारी हैं, जो ब्रज क्षेत्र के प्रभारी हैं, जो स्थानीय संगठन के नेता हैं, वो सभी बैठक में मौजूद हैं और बैठक चल रही है और बैठक में ये तलाशा जा रहा है कि आखिर भाजपा क्यों हारी, जबकि राम मंदिर बना यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी। 22 जनवरी के बी शुक्ला, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त ऐसा लगा था कि फैजाबाद तो हार ही नहीं सकती बीजेपी, फैजाबाद के साथ साथ आसपास के तमाम लोकसभा सीटों पर भी इसका फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। तो इसकी वजह क्या रही ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। ये बताइए कि आज की मीटिंग में कौन कौन मौजूद है, किस तरह से समीक्षा की जा रही है? देखिए, भूपेंद्र सिंह चौधरी बहुत बारीकी से इसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अवध क्षेत्र के जितने भी संगठन नेता है वो मौजूद हैं, ब्रज क्षेत्र के जो प्रभारी हैं वो भी बैठक मौजूद है। बहुत बारीकी से इस बात की वजह तलाशी जा रही है कि आखिर अयोध्या जनपद नहीं, अयोध्या मंडल में भाजपा क्यों आ रही है, आखिर वजह क्या रही है, जबकि राम मंदिर यहाँ पर बना, प्रधानमंत्री खुद जो है 22 जनवरी को पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा की, और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो यहाँ पर माहौल अयोध्या में था, ऐसा लगता था कि अब भाजपा सिर्फ अयोध्या में नहीं, अयोध्या मंडल के साथ साथ जो आसपास जिले वो भी प्रभावित करेगी, लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। भाजपा अयोध्या में तो हारी, अयोध्या मंडल ही हुआ हार गई, इसके साथ ही जो आसपास जिले थे वो हार गई। कुल मिला के उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल रहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो बुरा हाल देखा गया ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा तब देखा गया जब भाजपा जो है राम मंदिर मुद्दों को लेकर आगे आई, राम मंदिर बना,
प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ। धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। इस मीटिंग में मंथन के बाद क्या निकलता है उसकी जानकारी भी आपसे लेंगे। तो फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई, अयोध्या में भी बहुत बुरी स्थिति रही और ऐसे में वजह क्या रही, कई सारे पॉइंट सामने आ रहे हैं कि व्यापारियों में नाराजगी थी। कुछ का कहना है कि लल्लू सिंह जो कि फैजाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनका संविधान को लेकर जो बयान था वो बैकफायर कर गया। तो फिलहाल ये मीटिंग चल रही है। इधर यूपी में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का स्पेशल टीम, जो स्पेशल 40 टीम है, वो 26 सवालों के आधार पर जवाब तलाश रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह तलाशने के लिए स्पेशल 40 टीम का गठन किया है। हर टीम में 80 सदस्य हैं। एक टीम को 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर इसी तरह से ये टीम तैयारी में जुट गई है, अपने काम में जुट गई है। 26 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है स्पेशल 40 टीम। 24 जून तक अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप देने की। अब बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को स्पेशल टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी उन भीतरघातियों और हार के जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी करेगी जिनकी वजह से पार्टी को यूपी में इतनी कम सीट मिली है। और यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए जो टीम बनाई है उस टीम ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। 26 सवाल तैयार किए गए हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। उनमें से कुछ अहम सवाल हैं: जमीन पर पार्टी कार्यकर्ता कितने सक्रिय थे, क्या सरकार के फैसलों पर जनता का असर था, अफसरों के कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट थी या नहीं थी, उम्मीदवार जनता से कितने जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे, प्रत्याशियों ने कितने गांवों में प्रचार किया, पार्टी नेताओं का जाति समुदाय में कितना आना जाना था, विधानसभा क्षेत्रों में वोट शेयर में क्या गिरावट आई है और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, लोकसभा चुनाव में विपक्ष को कैसे फायदा हुआ, विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ क्या कहानी गढ़ी जिसका लाभ उन्हें वोटों के रूप में मिला। तो 26 सवाल हैं जिनमें से कुछ अहम सवाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं सवालों के आधार पर ये जो स्पेशल 40 टीम है वो लोगों के बीच जा रही है, जवाब ले रही है और अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद निरहुआ ने जनता पर हार का ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विपक्ष ने झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी संविधान की इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, कहां संविधान खत्म हो जाएगा, अरे मोदी जी हैं जो संविधान की चिंता करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये झूठ उन लोगों ने फैलाया था, उसके बाद कुछ झूठी गारंटी भी लोगों के बीच में बांट दिया था, बहुत सारी चीजें थी जिसमें जनता भ्रमित हो गई। सलेमपुर से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए। रविंद्र कुशवाहा ने यूपी सरकार की मंत्री विजय लक्ष्मी और बलिया बीजेपी अध्यक्ष संजय यादव को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया है। सुनाते हैं आपको। कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 से जो मेरी हार हुई है इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है इनका हाथ है। तो बीजेपी में हार पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर मुजफ्फरनगर से एसपी सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि पूर्व विधायक संगीत सोम ने उनकी कोई मदद नहीं की। कार्रवाई करना या ना करना बीजेपी का अंदरूनी मामला है। न्यूज 18 के साथ हरेंद्र मलिक ने खास बातचीत की। हो रही कभी हमने हारने के बाद इस तरह बयानबाजी नहीं की, ना जीतने के बाद की। आपको आज भी मैं कोई बहुत अति उत्साहित नहीं दिख रहा हूँगा और कल भी साधारण था, आज भी साधारण। एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि वोटिंग से पहले जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे सरदना में, संगीत सोम से आपकी मुलाकात हुई थी? संगीत सोम से मेरी कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई चुनाव प्रचार के दौरान। मैं बता रहा हूँ चुनाव प्रचार के दौरान नहीं हुई। हाँ मुझे वो एक तेहरामी मिले थे, तेहरामी थी ठाकुरों में,
वो भी गए थे, मैं भी गया था। खबर ये भी आई कि वहाँ पर क्षत्रियों के भीतर नाराजगी है, इसको लेकर चर्चा चुनाव के दौरान लगातार चल रही हुई। कोई सभ्य आदमी 13वीं में जिसके मौत में जाए उस वहाँ राजनीतिक बात नहीं कर सकता, अगर कोई सामाजिक आदमी हो। नहीं, संगी सोम ने अपनी पार्टी की मदद की, अगर संगी सोम मेरी मदद कर देता उसकी गलती है, उसे मदद कर देनी चाहिए थी। जो बुराई आज मिल रही है कल मिलती तो मैं 1,00,000 से जीत जाता। तो खबर तो आ रही है कि बीजेपी कार्रवाई कर सकती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीजेपी के दो नेताओं को। वो बीजेपी का मामला मैं दोस्तों चार दोनों काट दे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। कोई मदद नहीं की संगीत सोम ने? नहीं, मेरी मदद नहीं की, ना संगीत सोम ने की, ना कपिल देव ने की, ना मदन भैया ने की, ना उमेश मलिक ने की, ना राजीव शुक्ला ने की। हमें हमारी किसी ने मदद, हमारी मदद की समाजवादी साथियों ने।